पिछले दिनों मैं एक सभा में गया। सभा में बहुत विद्वान लोग आए हुए थे और एक विद्वान को जब सभा को संबोधन करने का अवसर मिला तो उन्होंने महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने कानाफूसी की और थोड़ा सा सभा के अंदर, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं, या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। पूरे पाली साहित्य में, पाली के जितना भी बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने जो भी वर्णन किया 45 साल तक, उसमें कहीं भी आत्मा का एक सिंगल भी जिक्र नहीं है, कहीं कोई जिक्र तक भी नहीं है आत्मा का। संस्कृत में आत्म है, आत्म का मतलब मैं यानी स्वयं। तो स्वयं का पाली में भी एक शब्द है, स्वयं को पाली में बोलते हैं अत। अत को ही पाली से लेके संस्कृत में जब बनाया तो उन्होंने आत्मा कर दिया। मगर आत्मा और आत्म का मतलब अलग अलग हो गया। अत का मतलब मैं स्वयं हूं, जैसे मैं कहूं अत्ता ही अतनो नाथ हो, यानी मैं स्वयं का अपना ही मालिक हूं। बुद्ध ने कई बार ऐसा बोला है, सब जितने भी विचारक हैं सब इसको बोलते हैं। मगर अगर मैं ये कहूं कि आत्मा ही स्वयं का मालिक है तो मतलब बदल जाता है, क्योंकि आत्मा की जो परिभाषा बताई गई है वो एक ऐसी चीज़ बताई है जो शरीर को चलाती है, जो अजर है, अमर है, ना कटती है, ना जलती है, ना टूटती है, ना फूटती है, ना घटती है, ना बढ़ती है। उसको वहाँ आत्मा करके जनरल भाषा में, आम भाषा में जो प्रचलित किया गया और बताया गया है वो है। और अत का मतलब मैं खुद हूँ, जो मैं बैठा हूँ अत हूँ। इसलिए बुद्ध आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि अब ये मेरा आखिरी जन्म है, मैंने जन्म का प्रोसेस समझ लिया है, जन्म कैसे होता है और मृत्यु कैसे होती है, कैसे आदमी बीमार पड़ता है, कैसे दुखी होता है और कैसे वो सुखी होता है, ये सारा मैंने देखा है। समझा नहीं है, इस बात को ध्यान देना, उन्होंने कहा है मैंने देखा है, यानी मैंने अनुभव कर लिया है और मैंने इसको साक्षात जान लिया है, देखा है। तो वो सुना सुनाया नहीं बोल रहे हैं, वो पढ़ा पढ़ाया नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इसको अनुभव किया है, देखा है। तो जब उन्होंने देखा है तो उन्होंने बहुत श्योरिटी के साथ ये कहा कि ये मेरा आखिरी जन्म है। और उनके साथ जो भिक्खु संघ था, जो लोग इस पोजिशन को निर्माण की यानी अर्हत की पोजिशन को प्राप्त कर लेते थे, उनका भी आखिरी जन्म होता था और वो जानते थे इस बात को कि ये हमारा लास्ट बर्थ है, हमारा बर्थ नहीं होगा। तो वो अपने बर्थ को टर्मिनेट करते थे, यानी कि उसको जड़ से ख़त्म करते थे, जड़ से ख़त्म करते थे। तब जो चीज़ उनके साथ में, यानी जो उनका टर्मिनेशन होता था, वो आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो ख़त्म नहीं हो सकती। आत्मा की फिलॉसफी अलग है। बुद्ध के पूरे 45 साल के साहित्य में, जीवन में जो उन्होंने बताया और जो आज तक भी दुनिया में बताया जाता है, एक सिंगल वर्ड भी आत्मा का कहीं नहीं आता। जिस व्यक्ति ने कभी आत्मा का जिक्र तक ना किया हो, उसको महाआत्मा, यानी महा माने बड़ी और आत्मा माने जो आत्मा का प्रकार मैंने बताया, तो महाआत्मा कैसे बोल सकते हैं। इसलिए जो लोग वहाँ बोले सभा में या बोल जाते हैं, वो बेसिकली शब्द का मतलब नहीं जानते। वो प्रचलन में चला आ रहा है, बचपन से सीखते हैं, महात्मा महात्मा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो वहाँ से उन्होंने उठा लिया, बिना जानकारी के बोलते हैं, जानकारी का अभाव की वजह से बोलते हैं। उनकी कोई मनोदशा या कोई उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जान के बोल रहे हैं। समझ जाएंगे, अगर कोई बता देगा उनको, तो वो महात्मा कहना बंद कर देंगे। वो बुद्ध के हजारों नाम हैं, पिछले मैंने वीडियो में बुद्ध के बहुत सारे नाम बताए हैं, अभी तो और भी जुड़ गए हैं, आलोकदीप, त्रिलोकीनाथ, लोकनाथ, त्रिलोकनाथ, जगत आलोक, महादेव, देवातिदेव यानी देवों के देव। अब यहाँ देव का मतलब ही समझ लीजिए क्या है, देव का मतलब है जो पंचशील का पालन करने वाला मनुष्य है। जो पंचशील का पालन करता है उसको देव बोलते हैं पाली में, और जो पांच शील का पालन नहीं करता उसको मनुष्य बोलते हैं। तो यानी ऐसे जो जितने भी लोग जो पंचशील का पालन करते हैं उनके भी देव हैं, यानी उनसे भी ज़्यादा शील का पालन करने वाले हैं। समदष्टा हैं, महाकारुणिक हैं, बहुत सारे नाम हैं, हजारों नाम हैं उनके, नामों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इतने नाम हमने इकट्ठे किए हैं फिर भी नाम उनके रह जाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो लोग महात्मा बोलते हैं उनकी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है,
कोई बता देगा, सीख लेंगे या बता देंगे तो वो उसको करेक्ट कर लेंगे। खाली बुद्ध बोलने से काम चल जाता है, तथागत बोलने से काम चल जाता है, सुगत बोलने से काम चल जाता है, और बुद्ध बोलिए, पूरी दुनिया बुद्ध बोलती है। धन्यवाद।